सातारा देवळे वॉर्ड क्रमांक 114 आणि 115 हे महानगरपालिका अखत्यारीत आले असून हा भाग मूलभूत सोयी सुविधांपासून वंचित आहे. त्यामुळे या भागात महानगरपालिका विभागातून वगळून नगर परिषद करण्यात यावी अशा आशयाचं निवेदन महानगरपालिका आयुक्तांना संघर्ष समिती सातारा देवळाईच्या वतीनं करण्यात आलंय. सातारा देवळाई वार्ड क्रमांक 114 आणि 115 हे वार्ड 3 वर्षांपासून महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत आले आहेत. यामुळे या भागातील नागरिकांना महानगरपालिका मूलभूत सोयी सुविधा पुरवण्यास अपयशी ठरत आहे. याचा त्रास वार्डातील सामान्य नागरिकांना होत असून यामुळे महानगरपालिका अखत्यारीत येणारे हे वार्ड नगर परिषदेत करण्यात यावे जेणेकरून नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध होतील असा ठराव महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून शासनाला पाठवावा असे निवेदन सातारा देवळाई संघर्ष समितीच्या वतीने औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना देण्यात आलं. यावेळी समितीचे सोमनाथ शिराने, पद्मसिंग राजपूत, राजेंद्र नरोडे, हकीम पटेल आदींची उपस्थिती होती. मी अशोक पटेल, सातारा देवळे परिसर का रहिवासी हूँ. जन्म तर सातारा देवळे परिसर का रहता हूँ. सातारा देवळे परिसर का विकास जो है एकदम जीरो है. जब से मनपा में सातारा देवळे परिसर का समस्त किया गया अब लोगों को बहुत उम्मीद थी कि भाई अब विकास जो है तो दुगना होगा. जो भी पहले फैसिलिटीज ग्राम पंचायत में मिलती थी इससे कहीं ज्यादा मिलेंगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं. देखने को ये मिला कि भाई और जीरो हो गया विकास. ड्रेनेज, पानी, जो अपने को ग्राम पंचायत में सुविधा मिलती थी वो भी सुविधा मिलना बंद हो गई. और उसके अलावा अपने को टैक्स भी इतना बढ़ गया कि जो गुलमंडी में टैक्स लगा रहे सिटी का वो सातारा देवली परिसर से ले रहे. टैक्स देने में लोगों को सक्षम है, लोग देते, सारे सुशिक्षित लोग सातारे में रहते, लेकिन वो टैक्स हमसे ले रहे ना, तो लोगों का कहना है, नागरिक का बोलना है कि टैक्स हमारे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए. 2016 में नगर परिषद हुई थी. नगर परिषद होने के बाद महानगर पालिका ने सातारा देवळा को जो गढ़ है, जो गढ़ नंबर है वो ऐड कर दिया महानगर पालिका अंदर, और वार्ड क्रमांक 114 और 115 ऐड हो. उसके बाद 3 साल या 3.5 साल हुआ, कुछ विकास नहीं है, टैक्स वसूल किया जा रहा है. आंदोलन का मकसद यही है कि सातारा देवळाई एक प्राधिकरण हो या नगर परिषद हो, शासन ने निर्णय लेना, क्योंकि हमको महानगर पालिका नहीं है. ये सातारा देवळा के नागरिक की तरफ से ये आंदोलन किया जा रहा है. आज महानगर पालिका के अंदर जी भी मीटिंग है, उसके अंदर उन्होंने अगर विषय लिए, महानगर पालिका वालों ने अगर 114 वार्ड क्रमांक, 115 वार्ड क्रमांक जो आते हैं सातारा देवळा में, वो हमको नगर पालिका नहीं होना, नगर परिषद होना या प्राधिकरण होना, जो कुछ होना, लेकिन महानगर पालिका हमको होना नहीं. इसलिए ये आंदोलन है. अगर ये आंदोलन ठीक तरह से हुआ तो ठीक, नहीं तो संघर्ष समिति की वजह से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आने वाले कल में इसका रूप लोकशाही माध्यम से और तीव्र आंदोलन होना चाहिए, ऐसा एक समिति का बोलना है.